कांकेर जिले के अंतागढ़ तहसील अंतर्गत रावघाट में भिलाई स्टील प्लांट द्वारा दिव्यांगों और वरिष्ठ लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 44 लोगों ने अपना पंजीयन करवाया। इस शिविर में आंख कान की जांच भी की गई। रावघाट परियोजना के प्रबंध संचालक SP मंडावी ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। श्री मंडावी ने कहा कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आए, परीक्षण कराएं, जिसको सुनने की समस्या है कान चेक कराएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ शिविर में मौजूद रहते हैं, और जिनको किसी चलने में तकलीफ है या किनको जिस किसी को कृत्रिम पैर की ज़रूरत हो, हमारे असेसमेंट शिविर में असेसमेंट होगा। इसके बाद फिर हमारा जो कृत्रिम अंग निर्माण संस्था है, रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान करेंगे। समाज कल्याण के उपसंचालक श्री निवल्ली गोयल ने बताया कि जांच शिविर में आने वाले लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के परिणामों के आधार पर उन्हें संबंधित स्कूलों या संस्थाओं में भेजा जाता है, जहां उनका उपचार बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हो रहे हैं, विशेष विद्यालय संचालित हो रहा है, तो ये इनको यहाँ से कांकेर से पास धमतरी में ही पड़ेगा। वहाँ पर अगर इनको एडमिशन दिलाया जाता है तो वहाँ छात्रावास सुविधा भी है, क्योंकि शासकीय है, टोटल निःशुल्क है वो। वहाँ पे इनको रहना, रुकना और इनको पूरी जो ब्रेल लिपि में जो पढ़ाई कराई जाती है, विशेष प्रशिक्षण वहाँ पर इनको विशेष टीचरों के द्वारा दिया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचने वाले ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के शिविर का आयोजन काफी लाभदायक साबित होता है, इससे अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। को रेफर किए हैं धमतरी के लिए, और एक बच्चे को चश्मा देंगे, और एक मेरे पिताजी को भी लाई हूं, उसे भी चश्मा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आँख ही नहीं दिखत रही थी मोर, अब चश्मा देखी लगा हूं, थोड़ा बहुत दिखी थे, भगवान जाने नहीं जाने। उल्लेखनीय है कि अंतागढ़ तहसील स्थित रावघाट में लौह अयस्क खनन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। BSP द्वारा समय समय पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में शिविर का आयोजन कर लोगों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।